दोस्तों आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, यहाँ पर टाइप करिए योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र साहू क्लासेस। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस ऐप में आप सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही लो कॉस्ट में कर सकते हैं, साथ ही फ्री टेस्ट सीरीज भी दिला सकते हैं। खास करके ये ऐप सीजी स्टेट के जॉब्स के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कॉन्टैक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हों, मेंस दिला रहे हों, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने हरिराम पटेल सर के कंप्यूटर बुक के चैप्टर 1 कंप्यूटर का सामान्य परिचय, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पूरा कवर किया है। साथ ही उसके पूरे MCQ सॉल्व किए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी उस चैप्टर 1 से रिलेटेड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कंप्यूटर के सामान्य परिचय से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन सभी को टॉप 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 2 कंप्यूटर के विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक कंप्यूटर, मैं इसमें पढ़ती जा रही हूँ और जहाँ पे मुझे लगेगा बताना है एक्स्ट्रा तो मैं वहाँ बताऊँगी, और साथ ही हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का विकास लगातार प्राचीन काल से निर्मित गणक यंत्र एवं आविष्कार के परिणाम स्वरूप विभिन्न समयांतराल में विकास एवं उपयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जिनका विकास क्रम निम्न प्रकार से माना जाता है। कंप्यूटर का विकास प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिनका विकास क्रम हम आगे देखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। गणना यंत्र, आविष्कारक, समय और उसके उपयोग, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस हम MCQs ऑब्जेक्टिव्स के रूप में सॉल्व करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए फर्स्ट है अबैकस। अबैकस गणना यंत्र के बारे में जानते हैं। इसके आविष्कारक हैं ली काई चेन। अबैकस के आविष्कारक हैं ली काई चेन, जो कि चीन के हैं। याद रखिए ली काई चेन, चेन चीन से हैं, जो कि अबैकस के आविष्कारक हैं। किस समय में इसका आविष्कार हुआ अबैकस का? 16वीं शताब्दी के समय में अबैकस का आविष्कार हुआ। याद रखिए इसका प्रयोग क्या है अबैकस का? तो इसका प्रयोग है शताब्दी जोड़ने व घटाने के लिए। याद रखिए शताब्दी जोड़ने व घटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अबैकस का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेपियर बोन। नेक्स्ट है नेपियर बोन। नेपियर बोन के आविष्कारक हैं जॉन नेपियर, जो कि इजीली याद हो जाएगा। नेपियर बोन के आविष्कारक हैं जॉन नेपियर। कभी कभी पूछा जाता है कि जो आविष्कारक हैं वो कहाँ से हैं, तो याद रखिए नेपियर बोन के आविष्कारक हैं जॉन नेपियर, जो कि हैं स्कॉटलैंड के। नेपियर बोन स्कॉटलैंड के हैं। इसका आविष्कार का समय क्या है? 1617 में नेपियर बोन गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। और इसका उपयोग क्या, किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग है परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाने के लिए। याद रखिए नेपियर बोन का प्रयोग परिणाम को ग्राफिकल संरचना, ग्राफिकल स्ट्रक्चर द्वारा दर्शाने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है स्लाइड रूल। स्लाइड रूल का प्रयोग याद रखिए, स्लाइड रूल के आविष्कारक हैं विलियम ऑटरेट। स्लाइड रूल के आविष्कारक हैं विलियम ऑटरेट जो कि हैं जर्मनी से। इसका आविष्कार हुआ सन 1622 में स्लाइड रूल। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? लघुगणक विधि के आधार पर गणना हेतु। लघुगणक विधि है उसके आधार पर गणना हेतु स्लाइड रूल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, पास्कल लाइन के आविष्कारक हैं ब्लेस पास्कल। जो कि फ्रेंस के एक साइंटिस्ट हैं ब्लेस पास्कल, जिसने आविष्कार किया पास्कल लाइन का सन 1642 में पास्कल लाइन का आविष्कार किया। पास्कल लाइन का उपयोग किस में होता है? तो ये है, उपयोग होता है जोड़ने व घटाने के लिए पास्कल लाइन का उपयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंस इंजन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसके आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया डिफरेंस इंजन का। और ये भी याद रखिए, चार्ल्स बेबेज कहाँ से थे? तो ये हैं ब्रिटेन के। चार्ल्स बेबेज ब्रिटेन के आविष्कारक हैं जिन्होंने सन 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। याद रखिए, डिफरेंस इंजन का उपयोग किस में किया जाता है? बीज गणितीय उपयोग, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उपयोग किया जाता है डिफरेंस इंजन का। चलते हैं नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज जो कि ब्रिटेन से हैं। इससे पहले हमने देखा इसका आविष्कार सन 1837 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया सन 1837 में। इसका प्रयोग किया जाता है सभी गणितीय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के उपयोग में किया जाता है एनालिटिकल इंजन का प्रयोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट, टैबुलेटिंग के आविष्कार करता है हर्मन हॉलरिथ जो कि अमेरिका के आविष्कार करता है हर्मन हॉलरिथ सन 1890 में, जिन्होंने टैबुलेटिंग का आविष्कार किया। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? 1890 में जनगणना के लिए किया गया। याद रखिए, 1890 में जब जनगणना हुआ तो उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? टैबुलेटिंग के द्वारा, जिसका आविष्कार करता है हर्मन हॉलरिथ, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट, मार्क वन के आविष्कार करता है हॉवर्ड आइकन जो कि अमेरिका के से हैं। इन्होंने सन 1944 में मार्क वन का आविष्कार किया। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? सभी गणनाओं के लिए मार्क वन का प्रयोग किया जाता है। और एल्जेब्रा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डिफरेंस इंजन का प्रयोग किया जाता है बीज गणितीय उपयोग के लिए, और मार्क वन का प्रयोग किया जाता था सभी गणनाओं के लिए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट, एनियक का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए। देखते हैं, एनियक के आविष्कार करते हैं जेपी एकर्ट और जॉन मॉशली जो कि अमेरिका से हैं। जेपी एकर्ट और जॉन मॉशली अमेरिका से हैं। उन्होंने सन 1946 में एनियक कंप्यूटर का आविष्कार किया। इसका प्रयोग क्यों किया गया? आईबीएम में उपयोग किया गया प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। याद रखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनियक, जो कि सीजी व्यापम 2012 में पीडीओ की पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है एडजेक के आविष्कार करता कौन है? मॉरिम विलियम जो कि हैं इंग्लैंड से। एडजेक के आविष्कार करता है मॉरिम विलियम जो कि हैं इंग्लैंड से। सन 1949 में एडजेक का आविष्कार किया गया। इसमें प्रोग्रामिंग हो सकता है। याद रखिए, इसमें केवल प्रोग्रामिंग हो सकता है एडजेक। बढ़ते हैं नेक्स्ट, एडवेक के आविष्कार करता है जॉन वॉन न्यूमैन ने आविष्कार किया एडवेक का, जो कि अमेरिका से हैं। सन 1950 में एडवेक का आविष्कार किया
जॉन वॉन न्यूमैन ने, जो कि अमेरिका के हैं, और याद रखिए ये सभी गणनाएं करता है। एडविक जो कंप्यूटर था वो सभी गणनाएं करता है। किस कौन सा कंप्यूटर क्या कार्य करता है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम से पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट, यूनिवेक। यूनिवेक तो यूनिवेक के आविष्कार करता है जे प्रेशर एकर्ट और जॉन मॉशली, जो कि अमेरिका से हैं, याद रखिए। इसका आविष्कार हुआ 1954 में यूनिवेक का आविष्कार किया गया, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है, वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए, कमर्शियल यूजेस के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, कमर्शियल पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, याद रखिए यूनिवेक कमर्शियल पर्पस के लिए। और साथ ही याद रखिए जो एनिएक है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूनिवेक एंड सॉरी एनिएक, और यूनिवेक का इस्तेमाल वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया गया। ये दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिए। ये जितने भी जो कि गणना यंत्र हैं और उसके आविष्कारक हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये सब पूछे जाते हैं कि किसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया। भले ये समय याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आविष्कारकर्ता और उपयोग इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के जनरेशन हैं, इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पीढ़ी में किस चीज़ का आविष्कार हुआ, किस पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया, ये सब बहुत पूछा जाता है। आधार पर आधुनिक कंप्यूटर के विकास को अलग अलग पीढ़ियों में बांटा गया है। टोटल 5 जनरेशन देखेंगे हम लोग, तो जो निम्नलिखित हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के बारे में चलिए देखते हैं क्या था। ये सभी जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इन सभी पॉइंट से क्वेश्चंस अराइज होते ही हैं। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट पॉइंट है 1940 से 1955 तक के एज को कंप्यूटर एज कहा जाता है। याद रखिए 1940 से 1955 तक को कंप्यूटर एज कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने बार एग्जाम से पूछा गया है। फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर पे, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को में निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार, इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर का साइज बड़ा एवं अधिक ऊर्जा खपत वाला था। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, इस पीढ़ी का कंप्यूटर का जो आकार था, साइज था, वो काफ़ी बड़ा था और अधिक ऊर्जा खपत करने वाला था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। भंडार के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग करते थे, जो भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए पंच कार्ड, याद रखिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग करते थे। फोर्थ पॉइंट अच्छे से याद रखिए, पंच कार्ड तथा पेपर टेप का उपयोग करते थे स्टोरेज के लिए। फिफ्थ पॉइंट है, 1952 में असेंबली लैंग्वेज का विकास डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का विकास हुआ, किसके द्वारा किया गया, 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में, याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेस हॉपर द्वारा किया गया, याद रखिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया। असेंबली लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग के लिए लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया गया, इसे भी याद रखिए आप। और इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का विकास हुआ, इसका एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आपको याद करना ही है। तो इसका उदाहरण है एनिएक, यूनिवेक, मार्क वन, एडवेक। एनिएक, यूनिवेक, मार्क वन, एडवेक, ऐसे आप रिपीट करते जाएंगे, बार बार पढ़ते जाएंगे तो बोलते जाएंगे तो याद हो जाएगा। एनिएक, यूनिवेक, मार्क वन, एडवेक। एनिएक, यूनिवेक, मार्क वन, एडवेक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। चलते हैं नेक्स्ट, द्वितीय पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन कब से कब तक था, 1956 से 1965 तक। 1956 से 1965 तक रहा सेकेंड जनरेशन। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, याद रखिए
फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पे हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास, याद रखिए 1947 में ट्रांजिस्टर का विकास अमेरिका के जॉन वार्डन, विलियम शाकलिन एवं वाटर ब्रिटेन द्वारा किया गया। इम्पॉर्टेंट है, एक ट्रांजिस्टर का विकास किसने किया ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, याद रखिए जॉन वार्डन, विलियम शाकलिन और वाटर ब्रिटेन द्वारा किया गया। सब सेम टाइप का ही है, जॉन वार्डन, विलियम शाकलिन और वाटर ब्रिटेन द्वारा किया गया। याद रखिए जो अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता था, ट्रांजिस्टर किससे बना होता था ये भी पूछा जा सकता है, तो अर्धचालक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भंडार के लिए, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, चुंबकीय भंडार उपकरणों का उपयोग हुआ। भंडारण के लिए किसका उपयोग किया गया, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग हुआ, जैसे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, याद रखिए भंडारण के लिए यहाँ किसका प्रयोग किया गया सेकंड जनरेशन पे, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का, और फर्स्ट जनरेशन पे किसका किया गया था हमने देखा था। इसमें भंडारण के लिए किसका उपयोग किया था, पंच कार्ड और पेपर टेप का उपयोग किया गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पे, याद रखिए। कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा कि फर्स्ट में किसका था, सेकंड में किसका था, किसका इस्तेमाल किया गया, भंडारण के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, ये सबको आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं भंडारण के लिए इसमें मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पीढ़ी में कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोर्ट्रेन फार्मूला ट्रांजैक्शन नामक ट्रांसलेशन नामक उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिसका विकास IBM कंपनी ने किया था। याद रखिए कोबोल और फोर्ट्रेन एक उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेज है, कब प्रयोग किया गया सेकंड जनरेशन में, और फर्स्ट जनरेशन में किसका किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, याद रखिए असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, लो लेवल लैंग्वेज जो, याद रखिए। और इसमें किया गया कोबोल और फोर्ट्रेन का, ठीक है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसका विकास किसने किया, IBM कंपनी। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखिए। नेक्स्ट है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रारंभ कब किया गया, सेकेंड जनरेशन में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ हुआ, याद रखिए इसको। साथ ही ये भी याद रखिए असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, ठीक है, अभी जस्ट देखा। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यावसायिक, कमर्शियल और औद्योगिक उपयोग प्रारंभ हुआ, कंप्यूटर का व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपयोग कब से प्रारंभ हुआ, सेकेंड जनरेशन से, ओके। और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ये है IBM 1401, IBM 1794, PDB-8, ये सब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन है थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी, ये कब से कब तक था, 1965 से लेके 1975, 10 साल, 1965 से लेके 1975 तक कौन सा जनरेशन था, थर्ड जनरेशन। इसमें देखते हैं सेकंड पॉइंट है, इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के स्थान पर IC चिप, इंटीग्रेटेड चिप का प्रयोग किया गया, जो किससे बना था, सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता था। याद रखिए क्वेश्चन से ये भी पूछा जाता है कि IC चिप का किससे बना था, IC चिप किससे बनाया गया था, तो ये बना था सिलिकॉन और जर्मेनियम से। फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में IC चिप, ठीक है, कंपेयर करके पढ़ते जाइए। IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 1958 में सर JS किल्बी और रॉबर्ट नोई ने किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन 2012 CGVFM द्वारा। IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट
चिप का आविष्कार किसने किया? 1958 में जेएस किल्बी एंड रॉबर्ट नोई ने। अगर आपको ईयर याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परंतु उसके आविष्कारकर्ता उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। याद रखिए, थर्ड जनरेशन में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। सेकेंड जनरेशन पर किसका विकास हुआ था, हम लोगों ने बात की थी, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। देखते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंड जनरेशन, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थर्ड जनरेशन, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग किया गया भंडारण के लिए मैग्नेटिक टेप का ही उपयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन के भी मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया, और थर्ड जनरेशन में भी मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, रैम का उपयोग प्रारंभ हुआ। याद रखिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कब से प्रारंभ किया गया, इम्पॉर्टेंट है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का उपयोग कब से प्रारंभ किया गया, तो यह तृतीय जनरेशन, थर्ड जनरेशन से प्रारंभ हुआ, एवं मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया। देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया कब, थर्ड जनरेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट है, इस पीढ़ी में पास्कल एवं बेसिक नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार हुआ। इस पीढ़ी में थर्ड जनरेशन पे पास्कल एवं बेसिक नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये सब एक लैंग्वेज है, फोर्ट्रेन, कोबल, असेंबली, ये सब लैंग्वेज हैं। तो इस थर्ड जनरेशन में पास्कल एवं बेसिक नामक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रियल टाइम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ। रियल टाइम, याद रखिए, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किसमें हुआ है, कौन कौन से जनरेशन पे, ये सबको आप कंपेयर करके पढ़िए तो आपको जल्दी याद होगा और काफ़ी लंबे समय तक दिमाग में बना रहेगा। नेक्स्ट है, उच्च स्तरीय भाषा पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। जस्ट देखें, इसके उदाहरण हैं IBM 360, NCR 395 और B6500। उदाहरण याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है। उदाहरण है IBM 360, NCR 395, B6500, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चतुर्थ जनरेशन कब से कब तक था, 1975 से 1990 तक। फोर्थ जनरेशन कब से कब तक था, 1975 से 1990 तक। नेक्स्ट पॉइंट है, LSI एवं VLSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग हुआ। याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन पे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन पे ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन पे IC सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुआ। जस्ट देखें, 1971 में एम ई हॉप के द्वारा प्रोसेसर का विकास किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसके द्वारा किया गया, 1971 में MEHOP के द्वारा। पूछा गया है क्वेश्चन CG व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 और CSPGCL 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग किया गया। एग्जाम्पल, रैम की क्षमता में वृद्धि की गई। भंडारण के लिए सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस का उपयोग हुआ, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ है फोर्थ जनरेशन पे। याद रखिए, फोर्थ जनरेशन से विकास हुआ पर्सनल कंप्यूटर का, जिसे 1941 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन द्वारा प्रथम PC कंप्यूटर का विकास किया गया। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। फोर्थ जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ, जिसे 1981 में IBM कंपनी द्वारा प्रथम PC कंप्यूटर का विकास किया गया, याद रखिए। नेक्स्ट है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग, मतलब एक साथ ज़्यादा लोग, ठीक है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर नेटवर्क का LAN एवं WAN का आविष्कार हो चुका था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर नेटवर्क में का LAN एवं WAN का विकास हो चुका था।
लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क याद रखिए। इस पीढ़ी में पहली बार GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। फोर्थ जनरेशन में पहली बार GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नामक सॉफ्टवेयर का विकास हुआ। याद रखिए कंप्यूटर में जितने भी जो फुल फॉर्म्स हैं ये सब लैन वैन GUI ये सब जितने भी है फोर्ट्रान कोबल जितने भी है सभी को आपको याद रखना है। सभी के फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछे ही जाते हैं और पूछे गए भी हैं, तो सभी को आप याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इस पीढ़ी में सी लैंग्वेज का विकास हुआ। सी लैंग्वेज का विकास डेनिस रिची ने 1971 में किया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेनिस रिची ने सी भाषा का विकास किया। नेक्स्ट ये याद रखिए, मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ। मिनी कंप्यूटर का विकास, पर्सनल कंप्यूटर का विकास, फोर्थ जनरेशन, ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन सभी को आप याद रखिए ही। मिनी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ फोर्थ जनरेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-विंडो तथा एप्पल ओएस का विकास हुआ। याद रखिए MS-DOS, MS-विंडोज, एप्पल ओएस का विकास हुआ। ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, IBM, PCXT, थर्ड इंटेल 4004 चिप, ये सब फोर्थ जनरेशन के उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट पंचम पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन में देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक था, 1990 से अब तक फिफ्थ जनरेशन है चल रहा है। 1990 से अब तक को क्या बोलते हैं, फिफ्थ जनरेशन। देखते हैं इसमें क्या क्या हुए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया जो स्वयं परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सके। ठीक है, पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया जो कि स्वयं परिस्थिति के अनुरूप निर्णय ले सके। एग्जाम्पल रोबोट का आविष्कार हुआ पांचवी पीढ़ी पे। ठीक है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है सॉरी सुपर लार्ज स्केल का विकास हुआ। IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। ठीक है, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में उदाहरण क्या है, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, BRD इत्यादि का। नेक्स्ट है, भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग किया गया। याद रखिए भंडारण के लिए पांचवी पीढ़ी तक क्या आ गया, ऑप्टिकल डिस्क, पांचवी पीढ़ी तक ऑप्टिकल डिस्क आ गया, तो भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, ईमेल, इंटरनेट, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ पांचवी पीढ़ी में। वर्ल्ड वाइड वेब के फादर कौन है, किसे बोला जाता है, कमेंट सेक्शन पे बताइए, आंसर दीजिए। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर पे मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई, ये भी याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट नोट, जो कि जो जो इम्पोर्टेंस है उसको मैं बता रही हूँ। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ऑलरेडी हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, एलन ट्यूरिंग, याद रखिए इसे भी। नेक्स्ट है, प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम एडा, जो प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, प्रथम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सा है, एडा, एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ENIAC, ENIAC क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, हमने इसे डिस्कस किया था जब अपन पढ़ रहे थे, तो ENIAC क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है, याद रखिए सिद्धार्थ भारत में निर्मित प्रथम पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर। विश्व का पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। विश्व में पहली कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है, IBM जो कि अमेरिका की कंपनी है, ये भी याद रखिए। इंटीग्रेटेड सर्किट में IC सर्किट में
सिलिकॉन मेटल तथा जर्मेनियम से बनाए जाते हैं। आईसी सर्किट सिलिकॉन तथा जर्मेनियम से बनाए जाते हैं, ये हमने ऊपर डिस्कशन कर लिया है, जो कि अर्धचालक है। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर है। आईसी सर्किट में किसका इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम में। और सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर का जनरेशन, पांच जनरेशन जो जो था सभी को हमने बहुत अच्छे से डील किया है, कवर किया है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को उसको प्रयोग के उद्देश्यों के आधार पर निम्न लिखे तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। याद रखिए, पहला है आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पर देखते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे किया गया है। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं पढ़ते जा रही हूँ, देखते जाइए। अभी इसका आधार पोर्टेबल होता है। जो माइक्रो कंप्यूटर है, इसका आधार क्या होता है, किस पे बेस्ड होता है? पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल। तथा इसे कंप्यूटर ऑन अ चिप कहते हैं। ये पूछा जा सकता है माइक्रो कंप्यूटर को और क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर ऑन अ चिप कहते हैं इसे, माइक्रो कंप्यूटर को, याद रखिए। नेक्स्ट है इसका विकास सर्वप्रथम। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम किसने किया? IBM कंपनी ने किया। माइक्रो कंप्यूटर का विकास सर्वप्रथम IBM कंपनी ने किया। डेस्कटॉप, लैपटॉप, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या डिजिटल डायरी, जो कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। ठीक है, टैबलेट तथा स्मार्टफोन इसी के उदाहरण हैं। अपन लोग जो यूज़ करते हैं टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, याद रखिए। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? घर में, ऑफिस में, स्कूल्स में, बिजनेस में, इंटरटेनमेंट में, सभी में माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसका आधार पोर्टेबल होता है, इसे कंप्यूटर ऑन चिप कहते हैं। एक बार देख लेते हैं, और इसका सर्वप्रथम आविष्कार कौन किया? IBM कंपनी ने किया। लैपटॉप, डेस्कटॉप, PDA, डिजिटल डायरी, ये सभी क्या हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर हैं। टैबलेट, स्मार्टफोन भी किसके उदाहरण हैं? माइक्रो कंप्यूटर के, याद रखिए। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? घर, ऑफिस, स्कूल, बिजनेस, इंटरटेनमेंट, सभी में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है इसमें 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम से पूछा जा सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर में कितने बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। या तो चार ऑप्शन देखिए, एक ऑप्शन हटा के कि किसका इस्तेमाल नहीं होता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए 8, 16, 32, 64। 8, 16, 32, 64 दो तीन बार आप बोलेंगे तो याद हो जाएगा। 8, 16, 32, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। तो इसका है पॉइंट है, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में आकार एवं प्रोसेसिंग में बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर का साइज माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में, साइज में एवं प्रोसेसिंग में बड़ा होता है, जो कि एक मल्टीपल यूज़र है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से साइज में बड़ा होता है। नेक्स्ट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रिसर्च में, अनुसंधान में, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी, बड़ी कंपनीज, यात्री आरक्षण, रिजर्वेशन, ये सब में किया जाता है मिनी कंप्यूटर का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट है 1960 में मिनी कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1960 में मिनी कंप्यूटर डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया था, पूछा गया क्वेश्चन है। CSEB 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, इसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यह आकार में बड़ा शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो साइज होता है बड़ा होता है, जिसका प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम होता है। यह बड़े व्यापारिक संस्थान एवं सरकारी संगठनों में प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर का आकार शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है,
जिसका प्रोसेसर सुपर कंप्यूटर से अपेक्षाकृत कम होता है। यह बड़े व्यापारिक संस्थान एवं सरकारी संगठनों में किसका प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसमें समांतर स्पीड की गणना 32 व 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर में किया जाता है। इससे पहले अपन लोग देखे थे मिनी कंप्यूटर, उसमें स्पीड की गणना किस में होती थी, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर देखे थे, इसमें स्पीड की गणना होती थी 8 16 32 64 8 16 32 64। और मेन फ्रेम कंप्यूटर में किससे होती है, 32 और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। याद रखिए मेन फ्रेम और माइक्रो में याद रखिए 32 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाता है, रिसर्च में, अंतरिक्ष विज्ञान में, ये सभी में मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसे आप याद रखिए, जब हम लोग MCQs ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको याद आएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलते हैं नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर। यह आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र गति का कंप्यूटर होता है। याद रखिए सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़ा तथा तीव्र गति, स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वर्तमान में इसका प्रयोग मौसम पूर्वानुमान, अर्थव्यवस्था, आटविक एटमिक और अंतरिक्ष रक्षा, डिफेंस में आदि क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड की गणना फ्लॉप्स, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। याद रखिए फ्लॉप्स में इसकी गणना की जाती है। सुपर कंप्यूटर की स्पीड की गणना किस में की जाती है, फ्लॉप्स में की जाती है। फुल फॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। आपको जितने भी फुल फॉर्म्स है आपको सभी का सभी याद करना है, एक भी नहीं छोड़ना है, कि हर फुल फॉर्म्स कहीं ना कहीं पे यूज़ होता ही है। ठीक है, नोट देख लेते हैं। साइमर क्रे, साइमर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। साइमर क्रे को फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, याद रखिए। देखते हैं नेक्स्ट, अनुप्रयोग के आधार पर। पहले हमने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक किस में देखें, साइज के बेसिस पे, अब किस में देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अनुप्रयोग के आधार पर। देखते हैं इसमें फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर, देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्या है। ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा भौतिक मात्राएं, जैसे दाब, प्रेशर, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ के माप को अंकों में प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिए फिर से मैं पढ़ रही हूँ, ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा भौतिक मात्राओं को, जैसे क्या क्या हैं भौतिक मात्राएं, प्रेशर, दाब, तापमान, टेम्परेचर, लंबाई, लेंथ के माप को अंकों में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर। उदाहरण क्या क्या हैं, स्पीडोमीटर, तापमापी, भूकंप मापी यंत्र, वोल्टामीटर, ये सभी क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। याद रखिए एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं स्पीडोमीटर, तापमापी, भूकंप मापी यंत्र और वोल्टामीटर के उदाहरण हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एनालॉग कंप्यूटर की गति अत्यंत धीमी होती है। जो एनालॉग कंप्यूटर है इसकी स्पीड बहुत कम होती है, याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट डिजिटल कंप्यूटर पे। डिजिटल कंप्यूटर के देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है इसका उपयोग अंकों की गणना, अंकों की जो गणना होती है तथा डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। याद रखिए इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, एनालॉग कंप्यूटर, इसमें क्या था, ऐसे कंप्यूटर जिनके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत किया जाता था। भौतिक मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत किया जाता था तो क्या कंप्यूटर कहलाता था, एनालॉग। और जो अंकों की गणना को डिजिटल, डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंकों को प्रस्तुत किया गया, उसे क्या बोलता है, डिजिटल कंप्यूटर। याद रखिए, याद हो गया। इन कंप्यूटर्स के द्वारा एनिमेशन कार्य भी होता है, एनिमेशन का कार्य भी डिजिटल कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस कंप्यूटर में गणना द्विआधारी अंक पद्धति, बाइनरी 0-1 द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस कंप्यूटर का जो गणना है
बाइनरी सिस्टम 0-1 द्वारा किया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? डेस्कटॉप लैपटॉप। डेस्कटॉप लैपटॉप डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में देखते हैं क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इस कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल के दोनों की तरह गुण पाया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर अभी हम लोग जस्ट देखें, उसके बाद डिजिटल देखें, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में, इस कंप्यूटर में एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों के तरह के गुण पाया जाता है, दोनों ही तरह का गुण पाया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर में। वर्तमान में इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किस में किया जाता है? चिकित्सा, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया किस जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का। नेक्स्ट है, इनपुट एवं आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है। इनपुट तथा आउटपुट में एनालॉग संकेतों का प्रयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिए। नेक्स्ट है, गणना एवं प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट एवं आउटपुट के लिए डिजिटल, क्योंकि ये दोनों से मिलकर बना है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों से मिलकर बना है, तो इनपुट एवं आउटपुट में एनालॉग संकेत का सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। और गणना एवं प्रोसेसिंग, गणना एवं प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल संकेतों का उपयोग किया जाता है, इसे आप याद रखिए। एग्जाम्पल क्या है? आईसीयू क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब थर्ड देखते हैं, उद्देश्य के आधार पर। हमें सबसे फर्स्ट क्या देखा? साइज़ के बेसिस पे, दूसरा पर्पस के बेसिस पे, अनुप्रयोग के आधार पे। ठीक है, साइज़ के बेसिस पे देखा फर्स्ट, दूसरा अनुप्रयोग के आधार पे देखा। अब थर्ड देखते हैं उद्देश्य, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस के आधार पे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक। चलिए इसमें देखते हैं, फर्स्ट है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है पढ़ते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग सामान्य उद्देश्य जैसे दस्तावेज तैयार करना, डेटाबेस बनाना आदि कार्यों के लिए किया जाता है। याद रखिए, ऐसे कंप्यूटर जिनका प्रयोग सामान्य उद्देश्य, दस्तावेज बनाना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, डेटाबेस बनाना आदि के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसके उदाहरण क्या क्या है? सामान्य डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सभी जनरल पर्पस उदाहरण है। ठीक है, लैपटॉप से, सामान्य डेस्कटॉप से हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, तो ये क्या है? जनरल पर्पस कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या है, इसे भी देख लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग विशिष्ट कार्य, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग विशिष्ट कार्य, क्या है विशिष्ट कार्य? मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह संचालन आदि के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जनरल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। समझ आया? सॉरी, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं ऐसे कंप्यूटर जिसका प्रयोग विशिष्ट कार्य, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, उपग्रह संचालन, ये सभी विशिष्ट कार्य है ना, तो इसे तो किस कंप्यूटर का यूज़ होगा इसमें? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बनाए जाते हैं मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और उपग्रह संचालन आदि के लिए, और बाकी जनरल पर्पस के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दस्तावेज बनाना, डेटाबेस बनाना, ये सभी के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सीजी व्यापम, सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो एक बार चैनल में विजिट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।